Another one, and it's gone even further. अगर आपका मन हो क्रिकेट खेलने का और आप चाहते हैं कि आप क्रिकेट खेलने जाएं, लेकिन बाहर हो लॉकडाउन, ग्राउंड हो वीरान, या फिर आप चाहते हैं कि आप क्रिकेट खेलने जाएं, लेकिन आपको क्रिकेट खेलने के लिए बैट नहीं है, स्टंप्स नहीं है, बॉल नहीं है, ग्राउंड नहीं है, या ये सब तो है लेकिन आपके पास खेलने के लिए टीम नहीं है, तो सोचो फिर आप क्या करोगे। क्या आप अपने दिल की ख्वाहिश दबा देंगे जो कि आप नहीं करना चाहते हैं? तो फिर इस मसले का आखिर हल क्या है? तो भैया, इस समस्या का समाधान है बाबा यासिर मंगी यूट्यूब वाली सरकार के पास। वाह यार, बाबा यासिर मंगी यूट्यूब वाली सरकार, ये तो चैनल का नाम होना चाहिए। काफी लंबा हो जाएगा मगर होगा यूनिक। चलो छोड़ो, व्लॉग की स्टोरी पर फोकस करते हैं। तो भैया, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बाबा कुछ दिन पहले गए थे हैदराबाद। मैं हूँ इस वक्त हैदराबाद में और इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और मेरा मन कर रहा है कि इस वक्त मैं क्रिकेट खेलने जाऊं। तो आप यही सोच रहे होंगे कि रात के 2:30 बजे शलवार कमीज में मैं क्रिकेट कैसे खेलने जाऊंगा। तो मेरा ये शौक पूरा करने वाले हैं ये दोनों ट्विन ब्रदर्स, ये मेरे भांजे हैं और एक है वलार एक है हलार। मुझे नहीं पता कि हलार कौन है और वलार कौन है, क्योंकि दोनों के फेस भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और नाम भी दोनों के राइम है। तो कौन कौन हलार है कौन वलार है, ये तो बहुत बड़ा मौका है, लेकिन ये बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन आपको ये मिस्ट्री सॉल्व कर ही देते हैं। वलार में हूं, वलार हूं और हलार जी। तो ये मेरे जो भांजे हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो इन्होंने एक गेम बनाया है, क्रिकेट गेम, जो किसपे खेला जाता है, इसका नाम है द फाइनल ओवर्स, जिसका मतलब है कि क्रिकेट में आपने देखा है कि सनसनी जो है वो सबसे ज्यादा आखिरी ओवर में आती है। हाँ। तो नाम भी उसी से इंस्पायर्ड है कि इसमें हर वक्त गेम में सनसनी होती है और चैलेंज होता है, तो उसी से इंस्पायर्ड हमने इसका नाम दिया है द फाइनल ओवर्स। एक डिवाइस हो आपके पास ऑक्यूलस क्वेस्ट के नाम से, तो आप घर पे बैठ के किसी भी टाइम, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि वॉशरूम में जाके खेलें, लेकिन बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, जहां पे भी आपके पास थोड़ी स्पेस अवेलेबल, थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल, किसी भी बंदे की आपको जरूरत नहीं, आप अकेले ही एक हरे क्राउड के स्टेडियम के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। क्या खेलेंगे हम? टूर्नामेंट जी, एक टूर्नामेंट करेंगे जिसमें हम दोनों रफीक और भाई यासिर के साथ। रफीक अभी आया नहीं, रफीक आएगा थोड़े में, जो शुरू होगा तो रफीक आ जाएगा। तो हमने चार टीम बनाई और हर टीम के पास थी दो दो विकेट, यानी अगर आप एक बार आउट हो गए तो फिक्र की बात नहीं है, आपको एक चांस और मिलेगा। चलो ब्रिंग इट ऑन। खैर, तो सबसे पहले बैटिंग की रफीक ने और रफीक का मुकाबला था हलार के साथ। ये गेम हम रूम में खेल रहे थे और पूरे रूम में घर का सामान बिखरा हुआ था, मगर सर पे ऑक्यूलस क्वेस्ट रखने के बाद बंदा कमरे को भूल जाता है और ग्राउंड वाली फीलिंग आने लगती है। इस प्लेयर ने 78 रन स्कोर किया, 78 ना 77 स्कोर किया, 78 का टारगेट दिया है हालार। 4 रन, 78 रन का टारगेट था, सो देखते हैं कि हालार कर पाता है या नहीं कर पाता। और ये एक विकेट, टारगेट थोड़ा बड़ा है, नहीं इसने 126 भी बना चुका है पहले, तो ये वो पहले खेलते हुए जैसे ये वीक है। ये भाई इस गेम का क्रिएटर है, तो इसको तो आनी चाहिए। अब तो ज्यादा प्रेशर पड़ गया। और ये फुल शॉट यार, कमाल, वाओ, सिक्स टारगेट इजी होगा जरूर, लेकिन विकेट है कि इसके पास, तो कुछ कह नहीं सकते। यार फास्टेस्ट बॉलर ने स्लोएस्ट बॉल करती है, 41 रन चाहिए। क्रिकेट
और गेम के हार गए और रफीक गेम के क्रिएटर से जीत गया और ये टूर्नामेंट का पहला मैच जो है वो रफीक ने जीत लिया है। कितने रन से जीता? 40 रन से जीता। इसका लकी डे था जिसने टारगेट भी बहुत कम दिया है, लेकिन लकी डे नहीं लकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी मेरी तरफ से आज। मैं इस मैच का रेफरी हूँ, अब टॉस करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। हमारा टॉस करने का स्टाइल भी बड़ा वखरा था। ओके गुड्डू, टॉस अ कॉइन। इट लैंडेड ऑन हेड्स। और देखता हूँ इसमें स्टेडियम में खड़ा हूँ। ये जो बटन है इससे पॉज खत्म होगा जब आप सेट हो जाए, इस बटन को प्रेस कर दीजिए। और अब ये फिर से एक शॉर्ट डिलीवरी जिसको पुल कर सकते हैं आप, और ये मिस हो गए। ये शायद पहला चौका नहीं चले हैं। ये 70% चौका हो गया भाई। मैं वैसे फर्श पर खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है पिच पे खड़ा हूँ। पहला चौका मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है। वाइड बॉल और ये बॉलर पे प्रेशर आ गया एक चौके से ही। दूसरा वाइड, ये शायद तीसरा वाइड करने वाला है। ये मैंने बॉलर को परेशान कर दिया एक ही चौके में। ये मेरा दूसरा चौका मारा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वाइड बॉल, व्हाट इज द स्कोर? 20। बड़ा अच्छा स्कोर कर लिया है। और ये एक और वाइड, बॉलर प्रेशर में आ गए। अभी 2 रन बनाए हैं और 23 का टारगेट दिया। काफी मुश्किल टारगेट है, बच्चों को मैं कम देता हूं टारगेट। ही इज द क्रिएटर ऑफ गेम। प्रेशर है ना भाई, 23 टारगेट में असल टारगेट फिर ने। और ये छक्का ले लिए ओवर में, और ये मेरे लिए सबसे मुश्किल बॉल यही है। 11 रन बना लिए और मेरा टारगेट था 22 का, मतलब मुझे बाकी 23। ओ गुड या फिर से चांस। आपके फील्डर्स फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे बिल्कुल, वो इसलिए कि मैंने और ये विकेट गया। आप सिर्फ एक विकेट बचा है और उसके कितने रन चाहिए? 10 रन। मैं कहा कि अपने फील्डर्स को बॉल मिला पिलवाता हूँ। और मैं भी मैच जीत गया, और वो भी गेम के क्रिएटर से। वाओ, यानी अफगानिस्तान इंग्लैंड से मैच जीत गया। देखो मैंने बोला था कि मैं मुश्किल टारगेट दिया, मगर ये तो इनके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रहे थे, मगर तो इनकी विकेट जो वो गिर गई। बच्चों को मैं इतना ही टारगेट देता हूं तो वही मसला हो गया मेरे साथ। बोल बोल मैं जीत गया। वेल प्लेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज ये है कि टारगेट भले ही छोटा हो कोई मसला नहीं, कुछ भी हो सकता है। आज हमने साबित कर दिया है। और यासर भाई तो डोमिनेट कर रहे हैं बिल्कुल। हमें यार पहली दिन पहला दिन ही खेल रहे थे, लेकिन वाह कमाल। ये अल्फाज सर के बहुत ठंडक पहुंची था दिल को। ओके एवरीवन, सो दोनों फाइनलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। रफीक और मैं इस गेम के हवाले से नूब थे, और हम दोनों ने उनसे मैच जीता था जो इस गेम के क्रिएटर थे। भाई देखो मैंने फर्स्ट टाइम जो है इस तरह का कोई गेम खेला है जी। और बचपन में जो क्रिकेट खेला था अब जाके खेला मैंने, तो मुझे तो ये बहुत खुशी हो रही है कि मैंने यार उन लोगों से मैच जीता है जो कि क्रिएटर। ये तो आप बहुत बड़े इंतजरा देते हैं मेरी पत्नी की। क्रिएटर से मैं जीत गया हूँ, और ये भी क्रिएटर नहीं, मैं भी क्रिएटर। मैं
नहीं कहना नहीं चाहिए, क्रिएटर्स को दलील कर दिया। सच में यार ये गेम खेल के तो मजा ही आ गया। ओक्यूलस क्वेस्ट सर पे रखने के बाद बंदा खुद को एक भरे ग्राउंड में खड़ा महसूस करता है और खेलते वक्त किसी सूरत ये एहसास नहीं होता कि बंदा ग्राउंड में नहीं खड़ा है बल्कि अपने रूम में खड़ा है। यही बात मुझे असल में एक्साइटमेंट हो रही है, मैंने पहले कभी इस चीज को हाथ भी नहीं लगाया था और इतना पहली मर्तबा कर रही हूं, इतनी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सो मुझे भी खुशी है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल टाइम। दोनों का बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा लम्हा मुझे दिया और मैं एंजॉय किया मैंने। दोबारा थैंक यू। तो यार व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपने अगर ये व्लॉग यहां तक देख लिया और व्लॉग पसंद भी आया तो फिर लाइक मारो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। साथ सलामत। Ladies and gentlemen, that's your man of the day. A true entertainer with the bat. He knows how to score a century under pressure.